अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अक्सा शो। आज सब लोगों की मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार। तो जी, सुबह का टाइम था। सुबह सुबह के टाइम में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपने सफाई करनी होती है। मैंने यहाँ पे जल्दी से घर की सफाई की और घर को लशपश चांदी की तरह चमका दिया। ठीक है जी, घर की सफाई की, उसके बाद जी मैंने बनाया था नाश्ता, क्योंकि जो साढ़े मुंडे थे वो उठ गए। साढ़े जो मुंडे थी वो उठ गए थी। थोड़ी थोड़ी गलत गंदी पंजाबी को ज़रा आप बर्दाश्त कीजिएगा। उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पर नाश्ता। नाश्ता जो है वो मैं चार कोनों वाला पराठा बनाने की हर बार ट्राई करती हूँ कि मेरे जो कोने हैं ना वो प्रॉपर नज़र आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं से वो थोड़े से गोल हो जाते हैं। जी यहाँ पे भी मैंने क्रिस्पी से करके जो है वो पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद जो है ऑमलेट की तैयारी होती है। मेरा एक दस भाई जो कि शेफ़ बनने की ज़रूरत शेफ़ बनने की जो है भरपूर कोशिश करता है, लेकिन खैर जो भी बनाता है ना अच्छा बना लेता है। और यहाँ पे इसने एग लिया, एग के अंदर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और दुनिया के जितने भी मसाले थे ना सारे इसके अंदर डाल दिए। और यकीन करें वो मसाले डालने के बाद जो है ना वो एग बहुत मज़े का ऑमलेट बना था। और ना जो ये हमारे ख़ानदान के मर्द हैं ना वो ऐसे नहीं करते कि हाँ जी मतलब किचन में नहीं घुसना या कोई ऐसा कुछ भी, यानी कि इस टाइप के नहीं है। जब भी कुछ उनका दिल करता है कुकिंग करने का तो सब ही कर लेते हैं। यानी कि तीनों जो हमारे घर है ना सब मर्दों को कुकिंग का शौक़ है। यानी कि कभी कभार जब करना हो तो वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे मामू यूजली जुम्मे को जो है ना वो मामू कुकिंग करते हैं। यानी कि हम ये नहीं है कि हमारे मटर दाल उनसे पकवा रहे होते हैं, नहीं, जुम्मे को सारी बातें कुछ स्पेशल बनता है और फिर वो कुकिंग करते हैं, तो अच्छी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं सब ही। उसके बाद जी मैंने धो लिए थे बर्तन और मैंने फटाक से बर्तन धोए। उसके बाद जी दिन का बनना था, दिन में मैंने बनाने थे आलू अंडे। यहाँ पर मैंने जी ली प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके यहाँ पे मैं बना रही थी मसाला, ठीक है जी। और यहाँ पे थे ये अंडे और आलू, उनको जो है जी कट किया। आप लोग बताएं आपके घरों में एक अंडे के कितने पीसीज होते हैं? हम जो है ना वो ऐसे पीस करके डालते होते हैं एग में। कभी कभी फुल एग भी बना लेते हैं, जैसे कोफ्ता एग बनाने हो तो फुल बना लेते हैं, अदरवाइज़ कट करके ही डालते हैं। उसके बाद मसाले में मैंने डालिए सिर्फ इसकी वाइट वाली और आलू, क्योंकि जर्दी ही नहीं डालते। जर्दी डालो तो फिर वो सालन से स्मेल आती है और फिर वो पकता है तो वो अजीब सा हो जाता है, तो जर्दी बाद में। उसके बाद ये मैंने सूखी हुई मेथी, मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट आएगा। उसके ऊपर मैंने डाली सूखी हुई मेथी, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और अच्छे बने थे। तो यहाँ पर हमारे जो आलू आंडे तैयार हो गए थे, इसके ऊपर सूखी मेथी डालकर मैंने इसको जो है जी बंद कर दिया। उसके बाद मैंने गूंदा आटा। आटा गूंदने के बाद यहाँ पे हमारा आटा गूंद गया। उसके बाद बनाई दिन की रोटी। रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मेरे पास आते हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उन्होंने शादी पर जाना था या किसी मिलाद वगैरह पर, तो वो जो है मेहंदी मुझसे लगवाने आए थे, मैं उन्हें मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद ये देखिए जी प्रोफेशनल मेहंदी लग रही है। अगर आप लोगों ने भी लगवानी है तो आ जाए। यहाँ पर मैं लगा रही थी मेहंदी। उसके बाद जो है फिर इज़ियान था, यहाँ पे इज़ियान खेल रहा था और तो साइकिल पे बैठा हुआ था, ये इसकी बूम बूम। यहाँ पे जी हमारा शूट शुरू होता है, कपल शूट, फोटो शूट। ये है जी अरसलान, इसकी हम कर रहे थे शादी, और जो ये इसके साथ बैठी है बंदी इसकी, यहाँ पे इनका कपल शूट हो रहा था। चेक करें ऐसा शूट आप लोगों का भी, अगर आप लोगों ने अपनी शादी पे शूट करवाना है तो इनसे सीखें कि कैसे शूट करवाते हैं। यहाँ पे इनकी शूटिंग हो रही थी, कपल शूटिंग। तो जो कि हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अरसलान को शर्म भी आ रही थी, और यहाँ पे जो ये दोनों लगे हुए हैं शूटिंग हो रही है इनकी, नीचे से इनका बनियान और ये ट्राउज़र वगैरह नजर आता था। फिर दिन की चेयर पर बैठ के शूटिंग स्टार्ट हुई। अच्छे से इनकी प्रॉपर ये मैंने फेस नहीं लिया, उसने मुझे सख्ती से मना किया था मेरा फेस नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे इनका कपल शूट हुआ, कपल शूट किया, इसके साथ ही जो है हम ब्लॉग को करेंगे एंड। अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको ये कपल शूट पसंद आए तो अपनी शादी पर आप भी ऐसे ही पोज बना बना के शूट करवाएँ। अल्लाह हाफिज़।